हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च मंथ का पार्ट टू, और ये है 15th ऑफ मार्च से 31st ऑफ मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। साथ ही मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कुछ कुछ करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड, ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने और याद रखने में ज़्यादा परेशानी ना आए, ठीक है। और जो लोग पहली बार आ रहे हो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन आगे भी मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, पहला करंट अफेयर है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है इंडिया का लास्ट मंथ, और ये सऊदी अरेबिया को सरपास किया है इसने। तो ये कंट्री का इस समय सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है इंडिया के लिए, ठीक है। तो जो आप लोग मेरे को बताइए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है जो सप्लाई करता है, आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि फर्स्ट कौन है, ठीक है। फिर देखिए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट बन गया। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट, और इंडिया जो है वो सरपास करा है रिसेंटली रशिया को, तो इसको रिप्लेस कर दिया है फोर्थ पोजीशन पे रशिया ने, ठीक है। तो इंडिया फोर्थ नंबर पे आ गया है, ठीक है, इसको रिजर्व्स को लेकर के फॉरेन एक्सचेंज के। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2021, ये हेल्ड हुए लॉस एंजलिस में। इसकी पूरी लिस्ट मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी मैं सेग्रीगेट कर दूंगा। तो आप लोग फिलहाल अभी यहाँ पे इतना ध्यान रख लीजिएगा कि ये कहाँ पे हुए थे, लॉस एंजलिस में हुए थे ये। फिर देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, सीए भवानी देवी, ठीक है, ये तमिलनाडु की है, और ये फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका नाम भवानी है, भवानी देवी, तो इन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनका नाम ध्यान रखिएगा और इमेज भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इंटरवेन किया है ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही थी, जो वायर्स वगैरह जो होते हैं वहां पर इनकी टकराने से इनकी डेथ हो रही थी, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, इंटरवेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली। तो इनका हैबिटेट देखिए, बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कहाँ पे है, गुजरात और राजस्थान के अराउंड जो है इनका हैबिटेट है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इनका हैबिटेट बेसिकली है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये है आपका गुजरात और राजस्थान के अराउंड। फिर देखिए, फिनिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर नोकिया, उसने अनाउंस किया है कि इसने साइन किया है एक एग्रीमेंट माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज एंड गूगल के साथ डेवलप करने के लिए एक क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशन, ठीक है, विद इट्स रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, RNA टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नोकिया ने कोलेबरेट किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल के साथ। तो डेवलप करने के लिए क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशंस विद इट्स रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कोलेबोरेशन जो हुआ है। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर DV सदानंद गौड़े, ठीक है, तो इन्होंने इनोग्रेट किया 11th एडिशन ऑफ इंडिया केमिकल 2021। तो आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थीम याद रखिएगा इसकी, ठीक है, थीम है इसकी ग्लोबल, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, इससे पहले एक करंट अफेयर आपको और बता देता हूँ, ठीक है, इंदिरा नूवी का एक मेमोयर आया था, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, इंदिरा नूवी का, ठीक है, और इसका नाम था माई लाइफ इन फुल, ठीक है, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये पब्लिश की जाएगी बुक को, और ये काफी इन्फ्लुएंशियल वुमेन रही हैं, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इनको रिसेंटली इंडक्ट किया गया था नेशनल वुमेन हॉल ऑफ फेम के लिए, तो इनका ये जो मेमोयर है उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। फिर देखिए, नेक्स्ट न्यूज है, न्यू दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड इस बार भी रही, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कैपिटल में मोस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, तीसरी साल लगातार ये
ऐसा रही है सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। ठीक है, तो देखिए इंडिया का जो स्टॉक्स है उसने गेन किया टॉप वर्ल्ड के टॉप 10 नेशंस बाय मार्केट वैल्यू। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड के टॉप 10 नेशंस बाय मार्केट वैल्यू रिसेंट में इंडिया ने इसको अचीव किया, और ये कोविड पैंडेमिक के बाद तक ये हुआ है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या है जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एम कैप। तो ये होता है मार्केट वैल्यू होती है आउटस्टैंडिंग शेयर्स की ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर प्राइस, और उसका जब मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से तो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है, एम कैप वैल्यू आ जाती है। तो वो वर्ल्ड के टॉप 10 नेशंस में इस समय आ गई है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर्स जो है टेक महिंद्रा एंड विप्रो, इन्होंने कोलेबरेट किया है फिनिश कंपनी के साथ, ठीक है, डेवलप करने के लिए 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज फॉर यूज इन इंडिया। ध्यान रखिएगा 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए किसने, टेक महिंद्रा ने और विप्रो ने, इन दोनों ने इसको कोलेबरेट किया है इसके साथ, फिनिश कंपनीज के साथ। ठीक है, अभी एक और नोकिया से रिलेटेड न्यूज देखी थी, तो ये दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए सीनियर आईपीएस ऑफिसर, इनका नाम है कुलदीप सिंह, इनको न्यू डीजी बनाया गया है सीआरपीएफ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ का न्यू डीजी बनाया गया है इनको, इनका नाम है कुलदीप सिंह। और सीआरपीएफ के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हाँ सीआरपीएफ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो ये लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है, और ये 1939 में बनी थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करती है। ठीक है, इसी तरह एनएसजी है, एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपने सुना होगा एनएसजी। एनएसजी क्या है, ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करती है। ये आपकी काउंटर टेररिज्म यूनिट है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद, फिर देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ICDRI इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टार्ट हुई 15 मार्च को, और ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जो डेट फॉलोज इंटरनेशनल वर्कशॉप, जो डिजास्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किए जाते हैं उससे रिलेटेड एक वर्कशॉप थी, और इसको इनॉग्रेट किया गया, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए आरबीआई ने रिसेंटली 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली आरबीआई ने किस बैंक पे पेनल्टी लगाई थी, तो उसका नाम है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है अपना फर्स्ट डील इन ईसीबी। ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग। ठीक है, इंडिया के बाहर से जो भी बोरो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग। ठीक है, यूजिंग दी न्यू सिक्योरिटी ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेटिंग SOFR का यूज करके इसको किया है, और SBI और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इन्होंने इंक किया एक 100 मिलियन की डील, $100 मिलियन की डील 5 साल में लेकर के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पूछ सकता है कि ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में रिसेंटली किस बैंक ने साइन की है डील, तो आप लोग ध्यान रखिएगा SBI ने की है। ठीक है, और SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट को लेकर के की है इसको। फिर देखिए सिक्स्थ इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, ठीक है, वुमेन फोरम मीटिंग, ये भी वर्चुअल हुई थी, और ये इवेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है, कि ये है क्या। तो इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, ठीक है, जिसको इब्सा भी बोलते हैं, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, ये एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फोरम है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर साउथ अफ्रीका, इंडिया और ब्राजील, ठीक है, सब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और मल्टी कल्चरल, प्यूरलिस्टिक, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस और मल्टी लिंगुअल नेशंस यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं, ठीक है, इनको इम्प्रूव करने के लिए। तो
तो इसका जो मेन एम है वो है इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और वहाँ जो लोग सिटीजन्स हैं यहाँ के उनके वेलबींग का, ठीक है। तो ये एक इसका कोर जो है वो आइडियोलॉजी है। फिर देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, और ये है NIO। NIO क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। ये है आपका गोवा में। इसने स्टार्ट किया है एक प्रोजेक्ट मैप करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इफेक्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रेस मेटल्स ऑन देम। कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। तो ये CSIR इसको सपोर्ट कर रही है, और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है ट्रेस बायोमी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेस बायोमी प्रोजेक्ट क्या है और इसको किसने रिसेंटली शुरू किया है, ठीक है। CSIR और NIO की मदद से इसको शुरू किया गया है। फिर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इटली ने रिसेंटली ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इटली भी अब इसका पार्ट बन गया है। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलंडे ने 2015 में 2015 में स्टार्ट किया था, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो हुई थी पेरिस में, ठीक है, वहां पे शुरू किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये कब शुरू हुआ था, इंपॉर्टेंट पर चीज याद रखिए, 2015 में शुरू हुआ। हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और इस समय इसमें 121 कंट्रीज है, ठीक है। तो इसमें देखिए वो सब कंट्रीज आ रही हैं। ये देखिए मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो यहाँ पे देखिए सनलाइट जो है वो ज्यादा रहती है, तो सनलाइट एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यहाँ पे जो कंट्रीज है उनको साथ में लाया जा रहा है, ठीक है, और उनको इनका मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो लोग हार्नेस कर सकें सोलर एनर्जी को। फिर देखिए सोशल हाउसिंग आर्किटेक्ट, ठीक है, एना लैकेटन एक ये, और जीन फिलिपे वसल, ठीक है, इनको विनर अनाउंस किया गया है प्रीटिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज का। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिए डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, और इनका ऐसा माना जा रहा है कि कॉन्जिक्यूटिवली फोर्थ इलेक्शन विक्ट्री जो है वो होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है, डच प्राइम मिनिस्टर का मार्क रूट, ये कंजर्वेटिव पार्टी के। फिर देखिए चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत, इन्होंने अनाउंस किया यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, और ये लॉन्च की जाएगी 1 मई 2021 से। तो इसका नाम रखा जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है, गहलोत ने इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, और ये एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है। तो जितनी भी फैमिलीज हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा हेल्थ सर्विसेज के लिए। फिर देखिए यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया है इंडियाज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका नाम याद रखिएगा CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, ठीक है। तो CDRI होता क्या है? CDRI देखिए पहली बार प्रपोज किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2016 में, और ये कहाँ पे किया था, एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में दिल्ली में, वहां पे इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक इनिशिएटिव है। और ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली किसने इसको ज्वाइन किया है, वो किया है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडिया ने नेम्ड किया है शेख मुजीबुर रहमान एंड सुल्तान कबूस फॉर राजीव गांधी पीस प्राइज, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, और सुल्तान कबूस जो है वो ओमान के एक लॉन्ग टाइम रूलर थे। तो ध्यान रखिएगा इस बार गांधी पीस प्राइज के लिए किन दो नामों को चुना गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, बाकी PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा।
उसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। फिर देखिए मार्च 19, एक मूवमेंट थी उसका नाम है पेप्सू मुजारा मूवमेंट। तो मार्च 19 जो है जो रिमाइंड करता है वेरियस पेनफुल मेमोरीज एट किशनगढ़ विलेज ऑफ मानसा डिस्ट्रिक्ट। इस दिन क्या हुआ था कि फोर फार्मर्स वर किल्ड इन किसानगढ़ विलेज इन अ प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट को बाद में पेप्सू मुजारा मूवमेंट का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा फार्मर्स जो है वो किल किए गए थे किसानगढ़ में, उससे रिलेटेड है ये। फिर देखिए एवरी ईयर 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ध्यान रखिएगा 21 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 21 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इस बार की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफी। फिर देखिए ये भी न्यूज काफी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे। ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट और वाटर आगे पीछे हैं दोनों, 21 और 22। तो 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, और जो थीम थी वर्ल्ड वाटर डे की वो इस बार थी वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है थीम, वैल्यूइंग वाटर जो है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान, ठीक है। और एक कैंपेन लॉन्च किया है कैच दी रेन। ध्यान रखिएगा इस कैंपेन का नाम जो लॉन्च किया गया है वर्ल्ड वाटर डे के दिन, ठीक है, जल शक्ति अभियान कैच दी रेन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एज पर द रिपोर्ट बाई BOFA सिक्योरिटीज, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज थर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आपसे पूछ सकता है कि BOFA की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो अप्रोक्सीमेट है 2031 तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2031 तक इंडिया इज लाइकली टू टच जापान नॉमिनल GDP इन दैट ईयर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप की एक कमिटी इवेल्युएट करने के लिए एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान रखिएगा किस चीज के लिए ये कमिटी बनाई गई है, ये बनाई गई है इवेल्युएट करने के लिए एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये 5 मेंबर की कमिटी है, और इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करेंगे RBI के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ। नाम ध्यान रखिएगा श्यामला गोपीनाथ। और ये क्या करेंगे, ये इवेल्युएट करेंगे एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट किया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज UNOPS के साथ, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के साथ टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शंस टू 11 वाटर स्कैर्स डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा किसके साथ कोलैबोरेट किया गया है, तो ये कोलैबोरेट किया गया है। तो देखिए आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन क्या है, ठीक है। बेसिकली आप जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए, काफी न्यूज में रह रहा है। कब शुरू किया गया था, 2019 में, ठीक है, 15 अगस्त। बहुत ही खराब एग्जाम है तो डेट भी पूछ देते हैं, तो 15 अगस्त 2019 में इसको स्टार्ट किया गया। अब जब स्टार्ट किया गया होगा तो उसका कुछ एम होगा, तो देखिए एम इसका था कि प्रोवाइड करना है सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर बाई इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ठीक है। और ये टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना था जितने भी रूरल हाउस होल्ड है अक्रॉस इंडिया। डेडलाइन क्या थी, कोई एम है तो उसको पूरा करने की डेडलाइन होगी 2024, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और ये जो UNOPS है ना, ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑपरेशनल आर्म है, ठीक है, उसके अंडर में ही काम करती है ये। तो ये आप इंफॉर्मेशन इतनी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है,
डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेगा इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए, इंडिया और जापान ने रिसेंट में एक एमओयू साइन किया, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। तो किस फील्ड में किया है? ध्यान रखिएगा, वाटर रिसोर्स की फील्ड में ये एमओयू साइन किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली किस फील्ड में एमओसी साइन किया गया है इंडिया और जापान के बीच में। फिर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने स्टार्ट किया है कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल बायो फार्मा मिशन। अब इस बायो फार्मा जो मिशन का स्टार्ट किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेटिव मिशन फॉर एक्सेलरेटिंग डिस्कवरी रिसर्च टू अर्ली डेवलपमेंट फॉर बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, वहां आप लोग देखोगे तो आप लोग को खुद ही ध्यान आ जाएगा। ठीक है, काफी लंबा नाम है, फिर भी आप लोग इसको एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान रख लेंगे तो आपको एग्जाम में इसका याद आ जाएगा। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका इसने लॉन्च किया है पोषण अभियान। किसके लिए? एल्डरली लोगों के लिए किया है लॉन्च। तो एम क्या है? एम है एल्डरली लोगों में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने का। ठीक है, और देखना, ये भी देखना है कि जो ओल्ड एज होम्स में लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रिसेंटली पोषण अभियान में किसको इंक्लूड किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि एल्डरली लोगों को रिसेंट में इंक्लूड किया गया है। फिर देखिए, शहीद दिवस देखिए कब होता है? 23 मार्च को होता है। और इस दिन क्या हुआ था? तीन फ्रीडम फाइटर्स आप सभी जानते होंगे, ये भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। ठीक है, इनको हैंग किया था ब्रिटिशर्स ने, तो 23 मार्च है ये डेट, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, 6th ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है, टू एनहांस कोस्टल सिक्योरिटी, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इसका नाम है वज्र, और इसको फॉर्मली कमीशन कर दिया गया है सर्विस के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इसका नाम है वज्र। ठीक है, फिर ये देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मार्च 24 कब होता है? ट्यूबर क्लोसिस डे, टीबी डे होता है मार्च 24 को। और इस बार की जो थीम थी टीबी की, वो थी द क्लॉक इज टिकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, इसकी थीम आप लोग ध्यान रखिएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, फिर देखिए, एक इंटर स्टेट रिलीजियस फेस्टिवल होता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है मान्यम कोंडा जात्र। ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पीसफुली विदाउट एनी अनटावर्ड इंसिडेंट इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन्फेस्टेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज्यादा रहता है, तो पीसफुली यहाँ पर इस फेस्टिवल को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस फेस्टिवल का नाम ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ पे होता है? इंटर स्टेट रिलीजियस फेस्टिवल है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ये होता है, फेस्टिवल का नाम याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, एनुअल परमानेंट इंडस कमीशन मीटिंग, ठीक है, वाटर को लेके थी ये, और ये रिसेंटली हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे दोनों कंट्रीज के इंडस कमिश्नर जो है वो मिले। और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया, ठीक है, जो डिजाइन तैयार किया जा रहा है लोअर कालनई और पाकलदूल हाइड्रो पावर प्लांट में जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इस डिजाइन को लेके ऑब्जेक्ट किया है, और ठीक है, और इस पे सेंक्शन लगाने की मांग की है। आर्टिकल 370 जब से एब्रोगेट हुआ है, ठीक है, तो तब से इस पे थोड़ी सी वो चल रही है गर्मा गर्मी। तो अपने इंडिया ने अपना स्टैंड देखिए इस पे जस्टिफाई कर दिया बिल्कुल, कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है, हमारी डिजाइन कुछ भी गलत नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये जो है ये आपका मारुसुदर रिवर पे है, ये आपका जो है ये मारू सुदर रिवर पे है ये आपका, और ये आपकी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आप इसका डैम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हाँ हाइड्रो पावर प्लांट का। फिर देखिए, फिच, आप समझ सकता है कि जो फिच है, रेटिंग एजेंसीज हैं,
कंपनीज की ग्रोथ वगैरह प्रिडिक्ट करती हैं, तो इसने बताया कि इंडिया की जीडीपी जो है नेक्स्ट फिजिकल 12.8% इतने से ग्रो करेगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता एग्जाम में कि फिच रेटिंग्स में कितना ग्रोथ रेट बताया गया था, तो 12.8। फिर देखिए राज कुमार सिंह, ठीक है, द पावर एंड द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है ग्राम उजाला स्कीम। ठीक है, तो ग्राम उजाला स्कीम क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्राम उजाला स्कीम का जो एम है वो प्रोवाइड करना है वर्ल्ड चीपेस्ट एलईडी बल्ब रूरल एरियाज में, और उसकी प्राइसिंग जो होगी वो होगी बस 10 रुपए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्राम उजाला स्कीम क्या है, ठीक है, प्रोवाइड करना है, और ये सब वर्ल्ड की चीपेस्ट एलईडी बल्ब प्रोवाइड करने का मिशन है। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है, एस ए बॉबडे, और उन्होंने रिकमेंड किया है एनवी नरीमन का नाम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी नरीमन। फिर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स ने अपना इंडेक्स रिलीज किया, और उसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 40, 53 ग्लोबल इकोनॉमीज में इंडिया की जो रैंक है वो है 40, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है काफी। फिर देखिए इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी एक फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज में जो होगी बे ऑफ बंगाल में अप्रैल में, और जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस होंगे वो क्वाड ग्रुप के सारे नेशंस होंगे, वो कौन होंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, और इंडिया हो ही गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि इंडियन नेवी जो पार्ट है वो पार्टिसिपेट करेगी, फ्रांस जो लेड कर रहा है इस वॉर गेम को, इसका नाम है ला परोसे। ठीक है, तो फ्रांस लीड करेगा और इसमें ये पूरा क्वाड ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए जैसे फिच ने अपनी रेटिंग दी थी, वैसे एक S&P करके भी ग्लोबल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपनी रेटिंग दी, तो इसने जो अपनी रेटिंग दी उसमें ये बताया कि 10 से 11% जो है 2021 और 2022 में इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने अनाउंस किया है कि खेलो इंडिया स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दी गई है 2025 और 26 तक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने अनाउंस किया है कि खेलो इंडिया स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 2025 और 26 तक। आपसे पूछ सकता है इसकी डेडलाइन कब तक एक्सटेंड की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी करंट अफेयर, तो इसमें ऐसा है कि जो न्यूजीलैंड पार्लियामेंट है उसने पास किया है लेजिस्लेशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू मदर्स एंड देयर पार्टनर्स, और उनको पेड लीव मिलेगी, ठीक है, फॉलोइंग अ मिसकैरिएज और स्टिल बर्थ को लेकर के। तो ये न्यूजीलैंड जो है वो सेकेंड कंट्री है जिसने ऐसा किया है, और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट कंट्री कौन थी जिसने ऐसा किया था। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स आपसे पूछ देता है एग्जाम्स में, तो यह है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो पब्लिश करता है, IMF पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो IMF देखिए जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1944 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ठीक है, और कितने मेंबर्स हैं इसमें, इसमें एट प्रेजेंट 190 मेंबर्स हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए काफी कुछ करंट अफेयर्स हो जाती हैं, और ये तो एवरग्रीन हमेशा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इन सब के हेडक्वार्टर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, तो ये सब भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो जो याद आता जाता है। ठीक है, फिर देखिए UIDAI, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा न्यूज में था तो इसके बारे में देख लीजिए ये क्या है। सबसे पहले तो UIDAI का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब देखिए ये स्टैचुटरी बॉडी है, देखिए स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में लॉ पास कराया गया है और उससे एक्ट बना है, इसलिए ये स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंडर में ये आता है। फिर देखिए पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका नाम था शाहीन 1A। ठीक है,
नाम ध्यान रखिएगा, शाहीन 1A इसका नाम था। फिर देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ठीक है, इन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से और डिस्कस किया अल्टरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी चल रहा है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, अल्टरनेटिव के लिए उनसे डिस्कशन किया। तो देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। जब आपको PDF दूंगा ना, उसमें आपको ऐसा फॉन्ट सही मिलेंगे, ठीक है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए बस। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये इनिशिएटिव एक इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने 2013 में शुरू की थी और 70 कंट्रीज में, 70 कंट्रीज में जो है इसने इसने इन्वेस्ट किया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो जिंगपिंग है उनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए वन बेल्ट वन रोड, ये चाइना से देखिए इस तरीके से शुरू होगा, पूरा बेल्ट से कनेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए इनका फॉरेन पॉलिसी, और ये सी रूट में देखिए पूरा कनेक्ट हो रहा है, तो देखिए पूरा सर्कल में कवर हो रहा है सब कुछ। तो ये इनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। फिर देखिए जल जीवन मिशन, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया है, शायद इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा 2024 तक, ठीक है, कब अनाउंस किया गया था, 15 अगस्त 2019 को, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत न्यूज में रह रहा है, इसके बारे में इतना तो कम से कम आप लोग ध्यान ही रखिएगा। फिर देखिए एक वुमेन लेड स्टार्टअप है, ठीक है, एस्ट्रोम करके है, और उसने डेवलप किया एक इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट गीगा मैश, ठीक है, गीगा मैश जो है इसको डेवलप किया है। तो ये प्रोवाइड करने के लिए फाइबर लाइक बैंडविथ, ठीक है, और ये बहुत ही कम कॉस्ट में इसको प्रोवाइड करने के लिए है। तो ये हेल्प करेगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जो डिलीवर करेगी रिलायबल लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज सब अर्बन और रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और वुमेन लेड स्टार्टअप है ये। तो आप लोग मेरे को ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस स्टार्टअप को किसने शुरू किया है, ठीक है, उनका आप मेरे को नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया एक नोटिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द इंडियन डायस्पोरा हैविंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं अब उनको रिक्वायर नहीं होगी कि वो अपने अपने ओल्ड एक्सपायर्ड पासपोर्ट को ट्रैवल के लिए यूज करेंगे जैसे पहले करते थे। और ये जनरल सी इंफॉर्मेशन थी। तो मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को बताइएगा कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आप लोग बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के डिस्कशन में इतना ही था, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को हर मंथ करंट अफेयर मिलता ही रहेगा, वीकली मिलता रहेगा, नहीं तो 15 दिन में। तो ये इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर हैं, इनको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। बाकी आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।